हेलो एवरीवन, आकाश हियर एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश साव। सो आपका स्वागत है इस नए सीरीज में जिसका नाम है 10 कदम, जिसमें मैं आपको 10 अल्टीमेट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज करवाता हूँ सॉल्व, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो मार्क्स बूस्टिंग कोर्स होता है। एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मैं जो 10 एमसीक्यूज लेता हूँ वो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और उसी के साथ साथ जो है आपका ये चैप्टर रिवीजन भी हो जाता है। और ये एक तरह का सजेशन है फॉर योर एग्जामिनेशन एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एसएक्यू क्वेश्चंस के लिए। तो इससे पहले मैंने एक ये दी आइज हैव हिट रस्किन बोन द्वारा जो है मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू करवा दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और आज मैं स्ट्रॉन्ग रूट अब्दुल कलाम द्वारा लिया गया चैप्टर जो है उसको मैं लेने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले मैं आपको इस क्विज का एमसीक्यू टेस्ट का रूल्स बता देना चाहता हूँ, रूल्स एंड मार्किंग स्कीम। सो गाइज, यहाँ पे रूल्स एंड मार्किंग स्कीम इस तरह से है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, रोक दें एंड आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, अपने माइंड में क्लिक करना है। और जब तक आप क्वेश्चन क्लिक नहीं कर देते, सोच नहीं लेते, तब तक आपको वीडियो को ओपन नहीं करना है। आप चाहे तो 1 मिनट 2 मिनट ले सकते हैं, ऑल दो अगर आपको याद हो तो हर एक क्वेश्चन जो है 1 सेकेंड में आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो मार्किंग स्कीम जो है इसमें आपको +1 मार्क्स अपने आप को ऑफर करना है यदि आपका आंसर करेक्ट होता है तब। अगर आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है देन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो आपका एक बोर्ड्स का इन्वायरमेंटल क्रिएट करने के लिए मैंने बोर्ड्स के जैसा ही मार्किंग स्कीम रखा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है विद ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आपको मार्क्स कमेंट करने हैं। गलत नहीं कि आप अगर 4 पा रहे हैं तो आप 10 में 10 लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप 4 ही पाए तो अगर कम मार्क्स पा रहे हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मार्क्स कॉमेंट करते हैं देन आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है कि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है वो जो है 10 में 10 पा रहे हैं तो आप 10 में 4 क्यों पा रहे हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी थोड़ा और पढ़े, जब तक एग्ज़ाम आ रहा है तब तक और पढ़े। सो आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें ताकि आपका एक कॉम्पटिशन का माहौल जनरेट हो पाए और आप अपना परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं आपको इस टेस्ट के लिए मैं ऑल द वेरी बेस्ट पहले से बोल ही देता हूँ, और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये जो है मार्क्स बूस्टिंग कोर्स सभी के पास पहुँच जाना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स एज बींग। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो कि मैंने सबसे पहले ईजी क्वेश्चन उठाता हूँ, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए वेल्दी एडुकेटेड एंड जेनरियस, बी हाईली एडुकेटेड बट नॉट वेल्दी, सी वेरी पुअर एंड इलिटरेट, और डी नाइदर वेल्दी और हाईली एडुकेटेड बट काइंड वाइज एंड लार्ज हार्टेड। तो आपको वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप आंसर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को ओपन करें, देन मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो गाइस, अब तक आप अपने आंसर को क्लिक कर दिए होंगे तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइदर वेल्दी और हाईली एडुकेटेड बट काइंड हार्टेड। उनके पिता जो है ज़्यादा अमीर नहीं थे, रिच नहीं थे, और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बट वो बहुत ही दयालु थे, बुद्धिमान थे और बहुत बड़े दिल रखने वाले उनके पेरेंट्स थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर ये रहा। सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, जो आपके HS एग्जाम 2015 में आ भी चुका है। सो क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फोर पियर्स ऑफ कलाम्स मदर वॉज अवॉर्डेड बाई द ब्रिटिश द टाइटल ऑफ, जो कलाम्स की मदर थी वो ब्रिटिश के द्वारा किस टाइटल
से नवाजी गई थी। तो आपके ऑप्शन है ए बहादुर, बी राय बहादुर, सी पद्मश्री एंड डी भारत रत्न। तो आप अपने ऑप्शन को क्लिक करें, इस वीडियो को पॉज कर दें। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ऑप्शन क्लिक कर दिया होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, इसका आंसर जो डी है वो तो होगा नहीं, क्योंकि भारत रत्न जो है फॉरेन के ब्रिटिश के टाइम में ये सब तो था नहीं। तो आप ऐसे ही इलिमिनेट कर दें। मैंने दी आइज हैबिट में भी बताया था कि आपको इलिमिनेशन से कैसे आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको राइट आंसर पता नहीं है तो ऐसा करें। और सिमिलरली जो ऑप्शन सी है पद्मश्री, ये भी उस समय नहीं अवार्ड दिया जाता था। तो सी और डी तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। तो आपके पास बचते हैं ए और बी। जो अब आप जिसको आंसर नहीं पता है वो तो 50-50 यहाँ पे लगा ही सकते हैं, क्योंकि अब आपके गलत होने के चांसेस कम हो गए। बट जिसको आंसर पता है उसको तो पता ही है करेक्ट आंसर क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर ए है, बहादुर। सो मैं यहाँ पे मैंने आपको एक एलिमिनेशन ट्रिक उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है तो भी आप सही आंसर के पास पहुंच सकते हैं। आप गलत आंसर को पहले सिलेक्ट कीजिए और जो गलत आंसर है आप उसको रिमूव कीजिए। हो सकता है आप एक गलत हटा दें या दो गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको हटा दें, तो आपके पास दो सही ऑप्शन, दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो उन दोनों में आपको करेक्ट ऑप्शन जो है मार्क करने में बहुत ही आसानी मिलेगी और राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। सो ऐसी ट्रिक्स को आप रेगुलरली फॉलो करें। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन क्लाम्स लोकेलिटी देयर वॉज ए लॉट ऑफ। तो क्लाम्स, अब्दुल कलाम के लोकेलिटी में बहुत सारे लोग रहते थे, और वो किस प्रकार के लोग थे? तो ऑप्शन ए क्रिश्चियन फैमिली थे, ऑप्शन बी हिंदू फैमिली थे, सी एंटी हिंदू फैमिली थे, या डी एंटी मुस्लिम फैमिलीज थे। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर क्लिक करें। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। सो इसका राइट आंसर होगा बी हिंदू फैमिली। ये बहुत ही श्योर एंड वेरी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि कलाम जो थे वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एरिया में थे, बट फिर भी उनमें हिंदू फैमिलीज जो है उस लोकेलिटी में बहुत सारे लोग रहते थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर इज, ये फिर से आपका टेक्स्ट बुक का लिया हुआ क्वेश्चन है। कलाम इज ऑल्सो स्पिरिचुअल बिकॉज, कलाम सर जो थे वो भी धार्मिक थे, क्यों थे? तो आपके ऑप्शन से ही विजिट द मॉस्क्यू एवरी थे, वो मस्जिद जो है प्रतिदिन एवरी डे जाते थे। ऑप्शन बी ही ट्राइज टू फॉलो इन हिज फादर्स फुट स्टेप, वो अपने पिताजी के कदमों को जो है फॉलो करने की कोशिश करते थे। ऑप्शन सी इज ही बिलीव इन द पावर ऑफ द डिवाइन, वो जो है शक्तियों पर विश्वास रखते थे। और ऑप्शन डी इज ही बिलीव्स डैट एन इंडिविजुअल हैज़ टू सेवर ऑल ऑल टाइज टू बी हैप्पी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आप पॉज करके आंसर को क्लिक करें। तो आई होप आपने आंसर को क्लिक कर दिया होगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको आंसर को क्लिक करते रहना है। नहीं भी आता है तो एक आप गलत ऑप्शन भी क्लिक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन को छोड़ कर नहीं आना है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन में तो है ही नहीं, तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्यों? सो मेरा हाईली सजेशन है कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जो नहीं भी आता उसको भी अटेम्प्ट करें। हो सके आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जो गलत भी आप लिख रहे हैं तो हो सकता है उसमें 5 में 1 मार्क्स भी मिल जाए, तो वह 1 मार्क्स भी आपके नंबर को, हर एक सब्जेक्ट में 1 मार्क्स अगर आप पाते भी जाते हो तो वो आपके नंबर को बहुत इंक्रीज कर देता है। तो चलिए मैं इसी के साथ इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ द डिवाइन, वो जो है शक्तियों पर, जो ये धार्मिक शक्तियों पर बिलीव करते थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, वेन एवर दे रीच एन इम्पैसे, तो यहाँ पे जो है इम्पैसे का मतलब क्या? तो मैं क्वेश्चन का हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो हिंदी का मतलब पढ़ दूंगा तो आप तो ऑप्शन तक पहुँच ही जाओगे। तो इम्पैसे का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन है इम्पॉसिबल, या पॉसिबल, या डेड लॉक, या डी प्रेयर। सो ये बहुत ही एक इजी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा ट्रिकी होते जा रहे हैं। तो चलिए इसका कुछ आंसर आप बताएं। तो आई होप आपने इसका आंसर बता दिया होगा। और मैं आपको इसका आंसर जो है बताना चाहता हूँ कि इम्पैसे का मतलब जो होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, डेड लॉक। इम्पैसे का मतलब होता है डेड लॉक। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्रॉम ए पी जे हाउस द कोकोनट, फ्रॉम ए पी जे अब्दुल कलाम्स हाउस द कोकोनट ग्रोव, जो वो नारियल का जो उनका अपना एक बागीचा था वो
जो है कलाम सर के घर से कितने दूरी पर जो है वो सिचुएटेड था। तो आपको ऑप्शन है ए 3 माइल्स अवे, एंड बी 4 माइल्स अवे, एंड सी 5 माइल्स अवे, या डी 6 माइल्स अवे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है कि अब्दुल कलाम के डेली रूटीन जो होता है सिक्स लेट इन हिज लेट 60s, उसका आंसर आपको आता है। तो इसमें तो आपको उस आंसर में आपको ये लाइन तो लिखना ही होता है, कितनी दूरी पर कोकोनट ग्रोव होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर, 4 माइल्स अवे। तो आई होप आप आंसर को क्लिक करते जा रहे हैं, अपने मार्क्स को काउंट करते जा रहे हैं, तो आप लास्ट में अपने मार्क्स को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, जैनुलब्दीन जो अब्दुल कलाम के पिताजी, टोल्ड हिज सन दैट इन पीपल्स मिसरी। सो ऑप्शन ए इज ही एक्टेड एज अ मेडिएटर, बी ही वॉज अ सेवियर, एंड ऑप्शन सी ही एक्टेड एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड डी ही कुड डू नथिंग एक्सेप्ट परफॉर्मिंग सर्टेन रिलीजियस राइट फॉर प्लेसिबो इफेक्ट। सो आप इसको ऑप्शन को क्लिक करें। ये ऑप्शन जो है देखने में डरावने हैं, बट इसका आंसर बहुत ही इजी होने वाला है। आपको करेक्ट ऑप्शन पे फोकस करना है, रॉन्ग ऑप्शंस को आप फोकस ना करें। तो चलिए इसका आंसर मैं बताना चाहता हूँ, एंड इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। ए जो है राइट आंसर है, ही एक्टेड एज अ मेडिएटर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक्चुअली ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं थोड़ा स्पीड में वीडियो को इंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स सामने हैं। सो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 इज, अकॉर्डिंग टू कलाम्स फादर, प्रेयर मेक्स पॉसिबल ए कम्युनल टू द स्प्रिट बिटवीन। तो कलाम के पिता के अनुसार जो प्रेयर्स जो है कि किस चीज़ का कम्युनल स्प्रिट जो है किनके बीच में इस्टेब्लिश करता है। तो आपके ऑप्शन है ए पीपल, बी गॉड्स भगवान के बीच में, या सी पीपल एंड गॉड्स भगवान और इंसानों के बीच में, या डी द रिच एंड द पुअर, गरीबों और अमीरों के बीच में। तो आई होप आपने आंसर क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताना चाहता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पीपल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्प्रिट बिटवीन द पीपल्स होगा। सो आपने ये सभी लाइंस आपने पढ़ी होगी। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, अकॉर्डिंग टू कलाम, वंस एन इंडिविजुअल सर्व्स हिज इमोशन एंड द फिजिकल वॉन्ट, ही इज ऑन द रोड टू। तो आपके ऑप्शन है फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड, बी हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, सी फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, या ऑप्शन नंबर डी फ्रीडम हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो आप आंसर को जल्दी से क्लिक करें, आई होप आपने आंसर को क्लिक कर दिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताना चाहता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्रीडम हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपने सही किया है तो आप +1 मार्क्स ऐड कर लें, और अगर आपने गलत किया है तो आपके जितने मार्क्स थे उतने मार्क्स ही रहेंगे, कोई भी मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 10वां नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, कलाम फील्स कन्विंस डैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर डैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम, देन आपको ऑप्शन भरे ये ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो है बहुत ही सिमिलर है। तो आपको बड़े ही ध्यान से केयरफुली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। ऑप्शन ए कन्फ्यूजन, यस कन्फ्यूजन हो जाएगा ये ऑप्शन पढ़ने में, कन्फ्यूजन मिसरी एंड मिलानचोली, एंड बी कन्फ्यूजन मिलानचोली एंड फेलियर, एंड मिसरी मिलानचोली एंड फेलियर, एंड ऑप्शन डी इज कन्फ्यूजन मिसरी मिलानचोली एंड फेलियर। सो आप ध्यान से इस वीडियो को पॉज करें और ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या है। तो चलिए आई होप अब तक आपने क्वेश्चन को क्लिक कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर बताना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर जो होगा कन्फ्यूजन मिसरी मिलानचोली एंड फेलियर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसी के साथ 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और नंबर 11वां जो है वो आपको मैं एक होमवर्क में देना चाहता हूँ। तो आप अपने मार्क्स को कमेंट करें, एंड साथ ही साथ उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी कमेंट करें। सो होमवर्क क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कलाम्स फादर, कलाम्स के पिता के अनुसार अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन इज प्रेजेंटेड बाई, जो इंट्रोस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी है जो जिसमें प्रॉब्लम्स अगर कम्स आती हैं तो आपको एक पीछे अपने प्रीवियस जो है एक्शंस को देखने की एक ऑफर क्रिएट होता है। तो ये सब जो होती है कहानी में पढ़ेंगे आप। तो ऑप्शन है एडवर्सिटी, बी प्रॉस्पेरिटी एंड सी ऑप्शन सी इच, मैनुप्रीट क्या लिखा ऑप्शन हुआ है, ये सी इच, रिटेन है। ऑप्शन नंबर सी इज मेलन्यूट्रिशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिट्रोस्पेक्शन। सो आपको इसका आंसर जो है कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, ए बी सी डी क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और साथ में ये क्वेश्चन बहुत ही जगह मैंने देखा है, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, जो एक सेंटेंस दिया दिया होता है उसके नीचे एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया होता है और 3 ऑप्शन दिए होते हैं उस अंडरलाइन वर्ड के नीचे जो जगह पे कौन सा 3 ऑप्शन में सही होगा। तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टेस्ट पेपर और ABTA में मैंने देखा है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि आपका एक कॉम्पिटिशन का माहौल जनरेट हो और आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है दी आई जेबी, तो इसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया, आप आई बटन को क्लिक जरूर करें। और लास्ट में जो भी ये 4 वीडियोज आ रहे हैं उसके लिंक आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, बहुत ही हेल्प होगा। आपका इंग्लिश का सजेशन भी अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही बहुत सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट है तो जाकर देख सकते हैं। सो आई एम आकाश सर, टाटा एंड बाय बाय।